अफोर्ड कर सकते हो, $400 से सीधा $1,000 मैंने पे करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, मैं इसको सोल्यूशन भी जो यहाँ के अथॉरिटीज हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, नई हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, जो नेटवर्किंग है वो यहाँ और ऐसे सिचुएशंस में एक मेजर रोल प्ले करती हैं। पर्सन से मिला था, उसने मुझे ये बोल दिया यार हम आगे कैसे करेंगे, ये सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे, एज इन जो हेजिटेशन होती है वो ब्रेक हो जाएगी आपकी। तो इट्स बेटर कि आप अपनी रीच को बढ़ाओ थोड़ा सा और अपनी फॉर्म। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जहाँ मैं रहती हूँ और जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाई कर रही हूँ, केप टाउन यूनिवर्सिटी में और सिडनी में, आजकल यहाँ की इंटरनेशनल एंड लोकल कम्युनिटी में बहुत शोर मच रहा है। लोग अपने बहुत थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं चीज़ों को लेके, जो भी यहाँ पे सिचुएशन चल रही है अबाउट द अकोमोडेशन क्राइसिस और जॉब क्राइसिस और जो हाई प्राइसेस हो गए हैं अकोमोडेशन के, उन सब चीज़ों को लेके। तो आज की वीडियो में मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस सिचुएशन को लेके, मैं क्या समझती हूँ, मैं वो सब डिस्कस करूंगी आपसे बहुत डिटेल में। तो इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं और इवन तो अगर आप यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट मेरा यहाँ पर है वो रहेगा हाउसिंग को लेकर। तो जो हाउसिंग की क्राइसिस है, यस वी अग्री कि जो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे अकोमोडेशन को लेके, और जो अवेलेबल हैं इधर वो हो सकता है बहुत ही ज्यादा हाई प्राइसेस पे आपको मिल रहे हो, जिनकी उतनी वर्थ ही नहीं होती। तो मैं आप लोगों को एक बार ये चीज बताना चाहती हूँ, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके साथ साथ जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं और जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है वो भी सेम इश्यूज को फेस कर रही है। जो रेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं, या फिर लोगों को यहाँ पे अगर कोई मूव करना पड़ रहा है तो कोई अकोमोडेशन मिल ही नहीं रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरी फैमिली ने यहाँ पे नवम्बर में मूव इन किया है, तो मैंने भी जब अकोमोडेशन ढूंढी मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, जो भी मुझे मिला वो इतना ओवर प्राइस था। जहां मैं पहले रहती थी वहां मैं पे कर रही थी $400, जब मैं सिंगल यहाँ पे थी वो एक महीने का मैं $400 पे कर रही थी। जब मैंने मूव किया अपनी फैमिली के आने के बाद, तो वहां पे यू विल नॉट बिलीव मैं $1,000 अ मंथ पे कर रही थी, इंक्लूडिव एवरीथिंग, एंड ओवर एंड अबव उसका जो मेरा खाने का खर्चा है, ग्रोसरी का खर्चा है, वो सब रहेगा। तो आप डिफरेंस जो है ये स्पॉट कर सकते हो, $400 से सीधा $1,000 मैंने पे करना स्टार्ट कर दिया था, बट कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था। बट ये चीज मुझे बार बार खटक रही थी कि मैं $1,000 जो यहाँ पे कर रही हूँ क्या वो वर्थ इट है, क्योंकि जिस घर में मैं रह रही थी उस घर में मेरे अलावा 4 फैमिलीज और थी, तो जो रिसोर्सेज थे वो शेयर हो रहे थे, जैसे किचन हो गया, वॉशरूम हो गया, ये सारी चीजें जो शेयर हो रही थी, फिर भी मैं $1,000 पे कर रही हूँ, क्या ये जस्टिफाइड है वहां पे? तो ये चीज मेरे माइंड में हमेशा से खटक रही थी कि जो $1,000 में पे कर रही हूँ इस चीज को कमाने में मेरे को कितना टाइम लग रहा है, और ये ऐसे चले जा रहे हैं और इसकी कोई वैल्यू भी नहीं मिल रही मुझे, या तो मुझे वो सर्विसेज मिल रही है या मुझे वो लग्जरी मिल रही हो जिसके लिए मैं इतना पे कर रही हूँ, तो मुझे चुभे ना वो चीज। तो ये चीज मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रही थी, बट व्हाट आई डिड इज कि आई केप्ट माय आईज एंड ईयर्स ओपन। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कहा ठीक है रह तो रहे हैं, बट साथ साथ मैंने और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया, सबसे बोला कि अगर कोई अकोमोडेशन अवेलेबल है तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे ट्रैवल भी करना पड़ रहा था अपनी जॉब वगैरह को लेके। तो तब जाके मुझे अब जहां मैं मूव हुई हूँ ये अकोमोडेशन मिली है $700 अ मंथ में, विच इज स्टिल बेटर, और मुझे जिस हिसाब से अभी यहाँ पे पेस चल रहा है उस हिसाब से मुझे जेन्युइन भी लग रहा है, ये दो जनों के लिए $700 बहुत फेयर इनफ है। सो माई पॉइंट इज कि ये जो सिचुएशन है ये सब के लिए है, हर कोई इस चीज को फेस कर रहा है, हर चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो चाहे आप यहाँ की कम्युनिटी हो, एवरीवन इज फेसिंग दिस, और वी ऑल शुड अग्री ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो कि ओवरनाइट इस चीज के लिए कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, रातों रात आपके लिए कोई सोसाइटी खड़ी नहीं हो जाएगी जहां आप आके रह सकते हो। बट हाँ, मैं इसको सोल्यूशन भी जो यहाँ के अथॉरिटीज हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, नई हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, जो अभी आ रहे हैं शायद उनको इस चीज का बेनिफिट नहीं होगा, बट जो आने वाले 6-7-8 महीने में जो बच्चे यहाँ पे आएंगे उस चीज को इस चीज का बेनिफिट जरूर होगा, और हो सकता है उस टाइम पे आने तक जो ये प्राइसेस हैं शायद थोड़े से डाउन हो भी जाएं। आई विल एड ऑन वन मोर पॉइंट, जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है अब वो भी इस चीज में इन्वेस्ट कर रही है, वो भी अब रेंटल वाली साइड पे इंटरेस्ट ले रही है, तो वो पूछते हैं आके कि आप कितना पे कर रहे हो, जेन्युइन प्राइस क्या है, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पे कम्युनिटी बहुत ही अच्छी है, वो समझती है इस चीज को कि बच्चा इतने एक्सपेंसिव घर नहीं ले सकता, तो वो ग्रीडी होके ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि हम भी बनाएंगे और हम
भी इतने में देंगे मतलब बच्चों को, हम पैसे अर्न करेंगे. तो वो इस चीज़ को प्रॉपर स्टडी करके अपनी तरफ से जेन्युइन रेट भी रख रहे हैं. बट अगेन ये चीज़ें टाइम लेती हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा. मैं आपको लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि जो भी आपके पास अभी अकोमोडेशन अवेलेबल है वहां पे रहें, देन अगेन आप जस्ट कीप ऑन सर्चिंग अराउंड, जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है आपके लिए आप वो ले सकते हैं. तो अब हम बात करेंगे यहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके. जो मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो इस टाइम पे बहुत ही कम है. एंड यस, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही नहीं है, बट बहुत कम है. और जो मोस्ट ऑफ द जो वैकेंसीज हैं वो इस टाइम पे फिल हो रही हैं इंटरनली. लेट्स सपोज कि मेरी कंपनी में किसी ने जॉब छोड़ी एंड आई विल गेट टू नो कि हाँ वो पर्सन एक्सपाइसी पर्सन जो है इस टाइम पे जॉब छोड़ रहा है. देन मैं अगर किसी को जानती हूँ और किसी को जॉब की जरूरत है तो मैं उसे इंटरनली रेफर कर रही हूँ, और इस चीज के चांसेस ज्यादा है उस वैकेंसी के फिल होने में, रेदर देन कि कोई वॉक इन रिज्यूमे ड्रॉप कर रहा है तो उसे वो मिल जाए तो उसके चांसेस कम रहेंगे. और इंटरनली वैकेंसी फिल होने के चांसेस इस टाइम पे ज्यादा हैं ऐसी सिचुएशन में. तो इसलिए मैं कहूंगी कि हाँ, यहाँ पे आपका एक सोशल नेटवर्क और रेफरेंसेस आप कैसे यूज करते हो इस चीज का मेजर रोल आता है. इसीलिए कहते हैं कि नेटवर्क स्ट्रांग करने बहुत ही जरूरी है. बट फिर जो नया बच्चा आ रहा है वो कहेगा कि मैं तो अभी आ ही रहा हूं तो मैं कैसे अब अपने नेटवर्क स्ट्रांग करूंगा. तो उस टाइम पे उस चीज में मैं आपको कहूंगी कि आप चीजों को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा लोगों से मिलो, यूनिवर्सिटी जाओ, आप अपने जो इन लोगों के साथ रह रहे हो उनके साथ घुल घुलो मिलो. थोड़ा ना कहते हैं ना गिव एंड टेक होता है, तो पहले आप किसी के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे, किसी का ट्रस्ट गेन करोगे, वो बॉन्ड बनाओगे, तो ही कोई आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट डालेगा. तभी आप किसी से एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कि कोई आपके लिए करे जब आपने उस चीज पे थोड़े से एफर्ट्स दिए होंगे. इनिशियली कोई आप सोचो कि मैं आया हूं दो चार दिन, किसी से हंस खिल के बात होगी तो कोई आपके लिए एफर्ट डाले, आप किस चीज की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है. तो पहले थोड़ा सा देना सीखें हम पहले किसी को, उसके बाद हम उससे कोई एक्सपेक्टेशन रखें. तो बट वो टाइम के साथ साथ जब धीरे धीरे बॉन्ड बनते हैं, आपके रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं, आपका एक सोशल दायरा बनता है, तो जाके ये रेफरेंसेस और इन नेटवर्क्स में आप जॉब लेने में या किसी को आप इन नेटवर्क्स के थ्रू हेल्प भी कर सकते हो. ये सब चीजें वहां पे काम आती हैं. इसलिए जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, सो दे शुड बी प्रिपेयर फॉर द एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड दे शुड बी प्रिपेयर मेंटली कि हो सकता है उन्हें आने के बाद महीना, दो महीना, तीन महीने अगर जॉब नहीं मिल रही है तो वो उनको मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है. ये सोल्यूशन नहीं होता कि आप यहाँ पर आ रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है एंड देन यू गेट सैड कि नहीं मुझे जॉब नहीं मिल रही है यहाँ पे और अब खुद ही डिप्रेस में आ जाओ. तो ये मेंटल सिकनेस आप लेकर आओगे अपने अंदर, अपने साथ वालों के अंदर, और उसके बाद जो आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली इतनी दूर बैठी है वो भी आपका इस बिहेवियर को देख के परेशान होती है. तो दिस इज नॉट मैच्योरिटी. तो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट दिस, पुट योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स और आप इस चीज के लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहो. इस चीज में जो मैं इस चीज को सोल्यूशन क्या देना चाहूंगी, मैं ये देना चाहूंगी कि जो टाइम फ्रेम ऐसा है कि जहां पे आपके पास जॉब नहीं है बट आपकी क्लासेस वगैरह रन हो रही हैं, उस टाइम फ्रेम को आप यूज करो कि आपका दिन जो है वो फ्रूटफुल जा रहा है. उस टाइम को आप यूज कर रहे हो आगे के लिए बेसिकली, रेदर देन अपसेट होके घर बैठ जाना, रेदर देन ऐसे नेगेटिव बातें करना एक दूसरे के साथ, अपने साथ साथ दूसरों को भी नेगेटिव करना. और ये इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस टाइम को यूज कैसे कर रहे हो. लेट से कि सपोज जैसे मैं हेल्थ केयर से हूं तो मैं इस टाइम को यूज कर सकती हूँ एक हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस लेने में, अपने प्रोफेसर के साथ उसके बारे में बातचीत करके वो एक रिलेशनशिप बनाने में, उसकी डोमेन नॉलेज लेने में जो मुझे आज नहीं तो कल काम आएगी ही आएगी, क्योंकि कल को अगर इंटर्नशिप भी करनी है आपने और अगर आपको जॉब भी करनी है अपने डोमेन में तो वो चीजें आपको वहां पे यूज होंगी. आप बाहर जाओ, लोगों से मिलो, अपना दायरा बनाओ, अपनी कोई स्किल डेवलप करो. इस चीज को आप ऐसे यूज कर सकते हो रेदर देन आप घर बैठ के इस चीज में अपसेट हो रहे हो. और जहां तक बात रही कनेक्शंस बनाने की, तो कनेक्शंस आपको सिर्फ अपनी कम्युनिटी में नहीं बनाने हैं. दिस इज नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट इट्स अ जनरल सजेशन कि आप अपनी कम्युनिटी के बाहर भी जाइए, कनेडियंस से मिलिए या अपनी किसी और भी कंट्रीज के जहां पे जो लोग हैं उनसे मिलिए, आप उन लोगों के कल्चर को जानिए, उनका थॉट प्रोसेस जानिए, माइंडसेट जानिए. तो ये सिर्फ आपको यहां पे काम नहीं आएगा, कल को आप कहीं जाते हो जॉब भी करते हो क्योंकि आपको भी पता है कि कनाडा में डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, तो आप वहां पे भी किसी को बहुत कॉन्फिडेंट डेंटली रीच आउट कर सकते हो. अगर आप इनिशियली अपना एक पैटर्न यही बना रहे हो कि आप सब में उठ बैठ रहे हो, सबके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो, तो कल को ये चीज आपको बहुत बेनिफिट करेगी. वो जो हिचक होती है
एज इन जो हेजिटेशन होती है वो ब्रेक हो जाएगी आपकी. तो इट्स बेटर कि आप अपनी रीच को बढ़ाओ थोड़ा सा और अपनी कम्युनिटी के बाहर भी लोगों से मिलो. दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर यू. और इन सब चीजों के साथ साथ ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हो. अगेन अगर मैं अगर किसी के साथ हर टाइम ऐसे ही बात करूंगी कि भाई ये नहीं हो रहा है और वो नहीं हो रहा, बहुत सैड हो रहा है, तो मैं अपनी वाइब्स किसी और को दे रही हूं, मैं अपनी नेगेटिविटी किसी और को दे रही हूं, मैं उस बंदे के अंदर भी वही एनर्जी डाल रही हूं जो मेरे लिए तो गलत है ही है पर मेरे साथ वाले लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा गलत है. तो आपको चूज करना है कि आपको प्रोडक्टिव लोगों के साथ रहना है या आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो हर टाइम आपको डीमोटिवेट ही कर रहे हैं हर एक चीज के लिए, कि जो आपको बार बार यही बता रहा है कि यार ये बहुत प्रॉब्लम है, यार वो मुझे मिला था, उसने मुझे ये बोल दिया, यार यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है यार. नहीं, बिकॉज मैं आपको ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि यहाँ पे आप कभी ना कभी ऐसे किसी इंसान से जरूर मिलोगे जो इन सिचुएशंस के बावजूद अपनी लाइफ में इतना सही चल रहा है, एज इन इस टाइम को इतना यूटिलाइज कर रहा है. हो सकता है. तो इन सब चीजों के साथ मैं आपको एक सजेशन और दूंगी कि यहाँ पे इस टाइम पे 70% जो बच्चे आपके साथ आए हैं वो आपको बार बार यही चीजें बोल रहे होंगे कि सिचुएशन ऐसी है जी, बहुत बुरा है, जॉब नहीं लगेगी, हम क्या करेंगे, हम लोग अपने एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे. ये चिंता करनी बहुत जरूरी है, केयर फ्री मत हो, बट हाँ उस चीज को ऐसे अपने ऊपर इफेक्ट मत करो कि आप ही परेशान हो रहे हो, आप ही मेंटली सफर कर रहे हो और आप ही डिप्रेस्ड हो रहे हो और अपने साथ साथ आप दूसरे लोग जो आपके साथ रह रहे हैं उनको भी आप अपसेट कर रहे हो इन सब चीज बातों में. ये मैच्योरिटी नहीं है. इट्स बेटर कि आप इस टाइम पे एंगेज रहो, जैसे मैंने बोला, दूसरी एक्टिविटीज में. हो सकता है कि आप कैफेटेरिया में बैठ के 3-4 जने यही सब चीजें डिस्कस कर रहे हो और मीनवाइल आप ही का कोई क्लासमेट अपनी ही डोमेन की कोई नॉलेज लेके अपने प्रोफेसर के साथ डिस्कस करके अपने रिलेशंस को बढ़ा रहा हो. वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही होती है, वो भी एक अर्निंग ही होती है जो आज नहीं तो कल आपके इंटर्नशिप फेज में या आपके जॉब लेने में आपको बहुत हेल्प करेगी. तो बेटर है कि उस टाइम को आप ऐसे यूटिलाइज करो, ऐसे यूज करो. और अपने साथ साथ मेरा मेन जो इसमें पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगी वो ये रहेगा कि इस सिचुएशन को ऐसे मत बढ़ाओ, बिकॉज एवरीवन इज सेलिंग इन द सेम बोट. हर कोई इन सब चीजों को फेस कर रहा है बट अप्रोच डिफरेंट है दोनों की. एक आदमी ए है जो बहुत अपसेट हो रहा है, जो बहुत सैड हो रहा है और वो हर किसी को सैड कर रहा है और एक आदमी बी है जो जिसको रियलिटी चेक तो है कि हाँ इस चीज में दिक्कत आ सकती है बट वो कंसिस्टेंट एफर्ट डाल रहा है, अपने साथ वालों को होप दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है. और जब वो अपने आप को इस चीज को डाइवर्ट करने के लिए और अपने फ्री टाइम में वो अपने ही प्रोफेशनल करियर को लेकर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा है, वो चीज होनी बहुत जरूरी है. और ये चीज कल को आपको ही काम आएगी और आपके साथ साथ कम्युनिटी में भी ये जो नेगेटिविटी का इस टाइम पे शोर चल रहा है ये थोड़ा कम हो जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप मैं कहना क्या चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा. अगर आप परेशान हो रहे हो तो इस वीडियो को देख के शायद आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी जरूर आई होगी. और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अगर वो भी आपकी तरह ऐसे थोड़े से नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं तो ये शायद आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा. और अगर आप दोबारा ऐसे जोन में जा रहे हो तो मेरी वीडियो को दोबारा देखना, यू विल फील बेटर.